हेलो दोस्तों, मैं अभिनव मिश्रा कॉमर्स 2.0 के वन शॉट रिवीजन क्लास में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो आज के क्लास में वन शॉट रिवीजन में हम लोग लेके आए हैं साझेदार का प्रवेश यानी कि साझेदारी व्यवसाय का लेखांकन यानी पार्टनरशिप की अकाउंटिंग हम लोग रिवीजन कर रहे हैं, जिसमें आज चौथा लेक्चर है और चौथा लेक्चर का नाम है साझेदारी का प्रवेश, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अर्थ समझेंगे। सबसे पहला टॉपिक हमारा होगा अर्थ, यानी साझेदार का प्रवेश का अर्थ क्या होता है। तो आइए जानते हैं। लिखा है कि सभी साझेदारों की सहमति से विद्यमान साझेदारी में, जो साझेदारी पहले से है विद्यमान, जो चल रही है पार्टनरशिप, उसमें गति में तेजी लाने तथा फर्म के व्यवसाय के विस्तार हेतु, दो पर्पस बताया गया है यहां पर, एक तो तेजी लाने, गति लाने और विस्तार करने के लिए करने हेतु अधिक पूंजी तकनीकी ज्ञान एवं कुशल प्रबंधन की आवश्यकता के कारण जब किसी व्यक्ति को फर्म में साझेदार बनाया जाता है तो इसे साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर कहा जाता है। सिंपल सी बात है, हमें बिजनेस को बढ़ाना है, विस्तार करना है, बिजनेस जो चल रहा है जिस स्पीड में, उस स्पीड में तेजी लानी है तो हमें अच्छे पार्टनर की आवश्यकता पड़ेगी, कुशल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ेगी, तकनीकी ज्ञान की आवश्यकता पड़ेगी, अधिक पूंजी की आवश्यकता पड़ेगी। और ये सब अगर हमारे पास नहीं है तो हम क्या करेंगे, किसी और को अपना साझेदार बनाएंगे और उसके साथ अपने व्यवसाय को तेजी से आगे बढ़ाएंगे। तो जब किसी व्यक्ति को अपना साझेदार बनाते हैं एक साझेदारी व्यवसाय में, तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही साझेदार का प्रवेश यानी एडमिशन ऑफ पार्टनर कहा जाता है। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 31 और उपधारा 1 के अनुसार, यानी यहाँ सेक्शन और सब सेक्शन की बात की जा रही है। ये ज्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, सेक्शन याद करना आप लोगों को, बट यहाँ लिख दिया गया है इन्फॉर्मेशन के लिए। तो चलिए, पार्टनरशिप एक्ट यानी साझेदारी, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार क्या कहा गया है एडमिशन के बारे में, एडमिशन ऑफ पार्टनर यानी साझेदार का प्रवेश के बारे में क्या कहा गया है, आइए जानते हैं। लिखा है कि कोई भी नया साझेदार तब तक साझेदारी में प्रवेश नहीं कर सकता जब तक कि सभी पुराने साझेदार इसके लिए अपनी सहमति न दे। यानी कि अगर किसी साझेदार को प्रवेश ग्रहण करना है किसी साझेदारी व्यवसाय में, तो उसको सबसे पहले सभी साझेदारों का सहमति लेना होगा। यानी सभी साझेदार जब सहमत होंगे तभी कोई नया साझेदार व्यवसाय में क्या कर सकता है, प्रवेश ले सकता है, अन्यथा नहीं ले सकता है। आगे लिखा है नया साझेदार फर्म का साझेदार बनने के बाद फर्म द्वारा किए गए नए समस्त कार्यों के लिए उत्तरदायी होगा। जी हाँ, जब तक कोई नया साझेदार व्यवसाय में नहीं था तब तक के लिए तो ठीक है, उसके ऊपर कोई दायित्व तो नहीं आएगा, लेकिन जब वो साझेदार बन गया उसके बाद व्यवसाय में कोई भी काम होगा और उसमें अगर दायित्व तो सबके ऊपर आएगा तो उसके ऊपर भी आएगा। परंतु साझेदार बनने के पूर्व, लेकिन जब तक वो साझेदार नहीं बना था हमारा, उसके पहले फर्म द्वारा किए गए कार्यों के लिए उत्तरदायी नहीं होगा। सिंपल सी बात है, जब तक वो पार्टनर हमारा था ही नहीं तब तक के लिए लायबिलिटी के लिए उसको जिम्मेदार क्यों ठहराएंगे। जब वो हमारा साझेदार बन जाएगा, मतलब हमारा पार्टनर बन जाएगा, तब हम लोग क्या करेंगे, जो भी नए काम होंगे उसके लिए उसको उत्तरदायी ठहरा सकते हैं। आगे लिखा है जब नया साझेदार प्रवेश करता है, यानी जब नया पार्टनर का एंट्री होता है बिजनेस में, तो उसे पूंजी यानी कैपिटल तथा ख्याति के लिए निर्धारित राशि लानी पड़ती है। जी हाँ, वो पूंजी लाएगा और गुडविल के लिए उसे क्या करना पड़ेगा, पैसे लाना पड़ेगा। इन राशियों के कारण नए साझेदार को पहला क्या क्या लिखा है, फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोई नया साझेदार बिजनेस में आएगा तो बिजनेस का एसेट्स यूज करेगा, संपत्तियों को यूज करेगा, है ना, उसके लाभ हानि अनुपात में हिस्सा पाएगा। तो ये सब पाने के लिए उसको पूंजी लाना पड़ता है और साथ में ख्याति में भी हिस्सा लाना पड़ता है। क्लियर है बात। तो लिखा है कि फर्म की संपत्तियों में हिस्सा लाने का अधिकार, हिस्सा
फर्म के संपत्तियों में हिस्सा लेने का अधिकार प्राप्त हो जाता है और वह फर्म के लाभ में भी हिस्सा पाने का अधिकार हो जाता है, यानी लाभ में भी अब उसको हिस्सा मिलेगा और संपत्तियों को पाने का भी अधिकार उसको हो जाता है, ये दोनों ही अधिकार उसको मिल जाते हैं। ठीक है, इसीलिए वो क्या लाता है, पूंजी और क्या लाता है, पूंजी और ख्याति लाता है, गुडविल लाता है। चलिए अगला टॉपिक शुरू करते हैं। अगला टॉपिक है साझेदारी के प्रवेश का प्रभाव, यानी जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उसका इफेक्ट क्या पड़ेगा, इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, क्या क्या प्रभाव पड़ेंगे व्यवसाय पर, क्या क्या प्रभाव पड़ेगा व्यवसाय पर, वो प्रभाव हम लोग जानने वाले हैं कि जब कोई एक नया साझेदार आएगा तो बिजनेस पर क्या क्या प्रभाव पड़ेगा, बिजनेस पर क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए पहला इफेक्ट जानते हैं। लिखा है कि नए साझेदार के प्रवेश के कारण साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाता है। जी हाँ, साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन हो जाता है, रिलेशनशिप में चेंज आ जाता है और परिणामतः साझेदारी का पुनर्गठन हो जाता है। आप सबको पिछले चैप्टर में ही पढ़ाए थे कि बिना व्यवसाय के जो व्यवसाय हमारा एग्जिस्टेंस में रहता है, यानी अस्तित्व में रहता है, उस व्यवसाय के अस्तित्व को बिना प्रभावित किए अगर साझेदारों के संबंधों में परिवर्तन आ जाता है तो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही पुनर्गठन कहा जाता है। पुरानी साझेदारी समाप्त हो जाती है तथा नई साझेदारी का पुनर्निर्माण हो जाता है। पुरानी साझेदारी, पुरानी पार्टनरशिप खत्म, अब नया रिलेशन बनेगा ना, क्योंकि एक और नया पार्टनर आया है तो नया रिलेशन बनेगा, तो वही कह रहा है कि पुराना पार्टनरशिप खत्म, नया पार्टनरशिप बन जाएगा। दूसरा, फर्म में साझेदारों की संख्या बढ़ जाती है। कितनी मजे की बात है ना कि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो जितने लोग पहले से थे उनकी संख्या में वृद्धि हो जाएगी, तो ये भी एक दे दिया है, अच्छा है। अगला लिखा है कि प्रवेश के कारण फर्म की पूंजी बढ़ जाती है। जब कोई नया पार्टनर आएगा तो कुछ कैपिटल भी लेके आएगा और कैपिटल लेके आएगा तो फर्म का पूंजी बढ़ जाएगा तथा योग्य व्यक्ति का कुशल प्रबंधता प्राप्त हो जाती है। यानी कि जब कोई योग्य व्यक्ति हमारे साथ जुड़ेगा तो कुशल प्रबंधन के साथ हम लोग अपने व्यवसाय को आगे बढ़ा सकते हैं। तीसरा प्रभाव, चौथा प्रभाव क्या कह रहा है, प्रभावशाली व प्रतिष्ठित व्यक्ति को साझेदार के रूप में प्रवेश से फर्म की ख्याति बढ़ जाती है। अगर कोई रेपुटेटेड पर्सन, यानी कि कोई प्रतिष्ठित व्यक्ति, प्रभावशाली इफेक्टिव व्यक्ति का जब हमारे व्यवसाय में जुटेगा, साझेदार के रूप में जुटेगा, तो हमारे बिजनेस का गुडविल बढ़ता है। मान लीजिए कोई बड़ा आदमी को, कोई बड़ा बिजनेसमैन है या कोई बड़ा आदमी है जिसका मार्केट में खूब नाम है, सब लोग जानते हैं, उसको अगर हम बिजनेस का पार्टनर बना लेते हैं तो बताइए कि क्या हमारा बिजनेस का गुडविल नहीं बढ़ेगा, क्या लोग कहेंगे कि अच्छा ये आदमी जो है ना ये बड़ा आदमी है और इसके साथ पार्टनरशिप में है, यानी कि ये बिजनेस भी बढ़िया चलेगा। तो इस तरीके से कहने का मतलब है कि फर्म की ख्याति जो है, फर्म का गुडविल जो है वो बढ़ जाता है। और लास्ट और पांचवा लिखा है, पांचवा प्रभाव क्या लिखा है कि नए साझेदार को फर्म के भावी लाभों में हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त हो जाता है। जब कोई नया साझेदार आएगा तो उसे भी तो प्रॉफिट मिलेगा, उसे भी तो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा। कहता है इस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसे अपने हिस्से की ख्याति प्रीमियम लानी पड़ती है और उसको प्रॉफिट में अगर हिस्सा चाहिए तो उसे क्या लाना पड़ेगा, ख्याति में प्रीमियम, यानी ख्याति का प्रीमियम लाना पड़ेगा। ठीक है, ये प्रैक्टिकल में हम लोग देखते हैं कि इसका कैलकुलेशन कैसे होता है। आइए जानते हैं अगला टॉपिक, इसमें क्या लिखा है, नोट के रूप में क्या इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट लिखा है, आइए जानते हैं क्या लिखा है नोट के रूप में। देखिए, नोट के रूप में लिखा है कि यदि किसी पुराने साझेदार ने नए साझेदार को लाभ में हिस्सा देने के लिए त्याग नहीं किया है तो नए साझेदार द्वारा लाई गई ख्याति में उसे उस पुराने साझेदार को हिस्सा नहीं दिया जाएगा। सिंपल सी बात है, अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है और आप कुछ भी सेक्रीफाइस नहीं कर रहे हो पुराने साझेदार हो करके, तो आपको कुछ मिलेगा क्या, वो जो भी ला रहा है उसमें से कुछ मिलेगा नहीं, जो त्याग करेगा क्षतिपूर्ति उसी को मिलेगी। सिंपल सी बात है, जिसकी क्षति होगी पूर्ति भी उसी की होगी, बस यही बात यहां नोट में लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है नए साझेदार की आवश्यकता। क्या है सर नए साझेदार की आवश्यकता, क्यों है, क्यों हम लोग नए पार्टनर को जोड़े, नया पार्टनर क्यों आए हमारे बिजनेस में, नीड फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी नए साझेदार की आवश्यकता क्या है, क्यों लाए हम नए साझेदार को अपने यहां। तो चलिए शुरू करते हैं। लिखा है, टॉपिक है नए साझेदार की आवश्यकता, नीड फॉर एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। तो हम लोग सबसे पहला टॉपिक लिखेंगे, देखेंगे नए साझेदार की आवश्यकता निम्न कारणों से पड़ सकती है। ये सब कुछ कारण है जिनके वजह से नए साझेदार की आवश्यकता पड़ सकती है। पहला नंबर है, जब व्यवसाय के विस्तार के लिए अधिक पूंजी की आवश्यकता हो, पहला अधिक पूंजी की आवश्यकता है तब मुझे एक नया पार्टनर को जोड़ना पड़ेगा। दूसरा,
जब व्यवसाय के प्रबंधन एवं संचालन हेतु किसी योग्य या अनुभवी व्यक्ति की आवश्यकता पड़े, हमें कुछ योग्य व्यक्ति चाहिए, अनुभवी व्यक्ति चाहिए, अपने अपने बिजनेस को बड़ा बनाना है, तो उसके लिए भी हमें पार्टनर की आवश्यकता पड़ती है। तीसरा, जब किसी प्रभावशाली एवं विख्यात व्यक्ति को साझेदार बनाकर व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ानी हो, हमें कोई जयमालो शाहरुख खान को अपना बिजनेस पार्टनर बना लिए, ब्रांड एम्बेसडर बना लिया, धोनी को देखिए SBI ने बना लिया है ब्रांड एम्बेसडर। तो इस तरीके से जब बड़े बड़े लोग हमारे व्यवसाय में जुड़ते हैं तो हमारे व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ जाती है। आगे लिखेंगे तो व्यवसाय की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए, ठीक है, व्यापार की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भी हमें किसी नए साझेदार की आवश्यकता पड़ सकती है। चौथा लिखा है और लास्ट लिखा है कि जब किसी सुयोग्य और निष्ठावान कर्मचारी को प्रोत्साहित करने के लिए साझेदार बनाया जाना उचित प्रतीत होता हो। मान लीजिए आपके व्यवसाय में कोई इंप्लॉई है, कोई कर्मचारी है, और वो इतना प्रभावी कर्मचारी है कि आप उसे आप उसके उसके प्रभावशाली काम को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर रहे हैं, उसको इंप्लॉई से कर्मचारी से आप उसको साझेदार बना ले रहे हैं, पार्टनर बना ले रहे हैं। तो सर इस तरीके से जब अन्य कर्मचारी देखेंगे कि देखो ये कर्मचारी अच्छे से इस काम किया तो ये पार्टनर बन गया आगे चल के, तो शायद हम भी अच्छे से काम करें तो हम भी पार्टनर बन सकते हैं, इसलिए बाकी के जो कर्मचारी होंगे वो भी अच्छे से काम करेंगे, तो इसलिए भी हम लोग क्या करते हैं, नए साझेदार बनाते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है नए साझेदार के प्रवेश का लेखांकन प्रक्रिया। नए साझेदार के प्रवेश का लेखांकन प्रक्रिया, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑन एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, यानी क्या क्या अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होता है आइए जानते हैं। जब कोई एक नया साझेदार व्यवसाय में आता है तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यानी लेखांकन प्रक्रिया क्या क्या होते हैं जब कोई एक नया पार्टनर आता है। तो लिखा है कि एक नए साझेदार के प्रवेश पर बहुत सी समायोजनों की आवश्यकता पड़ सकती है। कुछ मुख्य समायोजन इस प्रकार से हैं, बहुत सारे एडजस्टमेंट करने पड़ सकते हैं, जिसमें से कुछ मेन जो है वो लिख दिया गया है। क्या क्या है सर, तो बता दें कि पिछले चैप्टर में जो एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे थे लगभग सारे एडजस्टमेंट यहां भी करना पड़ेगा, जैसे नए लाभ विभाजन अनुपात की गणना, न्यू रेशियो कैलकुलेशन करना पड़ सकता है आपको न्यू रेशियो का, उसके बाद त्याग अनुपात की गणना, ख्याति का मूल्यांकन करना एवं लेखांकन व्यवहार करना यानी गुडविल का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना, संपत्तियों और दायित्वों का मूल्यांकन करना यानी कि रीवैल्यूएशन या रीअसेसमेंट ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ बिजनेस, है ना, संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन करना। अगला हो सकता है आपका संचय एवं अवतरित लाभ, यानी कि जो भी एक्युमुलेटेड प्रॉफिट से रिजर्व होते हैं उनको लाभ हानियों को क्या किया जाना, समायोजित किया जाना, यानी कि उनको आपस में बांटना। और याद है मैंने सिखाया भी था पिछले चैप्टर में कि संचय हो, अवितरित लाभ हो, इस तरह के अगर कोई चीजें हैं तो उनको ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में बांट दिया जाता है। हमेशा ध्यान रखें, ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में बांटा जाता है। और लास्ट लिखा है पूंजी का समायोजन यानी कि एडजस्टमेंट्स ऑफ कैपिटल भी करना पड़ सकता है। तो ये सब कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट यहां पर दिया हुआ है। आइए अगला पढ़ते हैं, अगला टॉपिक क्या है, स्मरणार्थ मूल्यांकन खाता, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्या होता है ये मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट, तो कहता है कि कभी कभी साझेदार इस बात पर सहमत होते हैं कि संपत्तियों और दायित्वों का पुनर्मूल्यांकन तो किया जाए परंतु नए स्थिति विवरण चिट्ठा में उन्हें पुराने मूल्य पर ही दिखाया जाए। तो ऐसी स्थिति में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है। ध्यान रखें कि मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट यानी स्मरणार्थ मूल्यांकन खाता कब बनाया जाता है, तो जब साझेदार ऐसा तय करते हैं कि हम लोग रिवैल्यूएशन तो करेंगे, एसेट्स और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन पुनर्मूल्यांकन तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन आर्थिक चिट्ठा में उसको आर्थिक चिट्ठा में नए वैल्यू पर दिखाने के बजाय पुराने वैल्यू पर ही दिखाया जाए, तो ऐसी परिस्थिति में जो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाता है, जो पुनर्मूल्यांकन खाता बनाया जाता है, उसी को मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट या स्मरणार्थ मूल्यांकन खाता पुनर्मूल्यांकन खाता कहते हैं। क्लियर है बात, तो आइए सर अगला टॉपिक इसी से संबंधित है कि पुनर्मूल्यांकन खाता तथा स्मरणार्थ मूल्यांकन खाता पुनर्मूल्यांकन खाता में अंतर क्या है, यानी रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या अंतर है। तो अंतर जैसे कि आप जानते हैं कैसे हम लोग लिखते हैं, एक अंतर का आधार होता है, दूसरा जिस जिस चीजों में डिफरेंस बताना है उनका हेडिंग लिख देंगे, पुनर्मूल्यांकन खाता और स्मरणार्थ पुनर्मूल्यांकन खाता। आइए क्या होता है जानते हैं। तो सबसे पहले लिखा है उद्देश्य में लिखेंगे पुनर्मूल्यांकन खाता के उद्देश्य में, यह उस समय बनाया जाता है जबकि संपत्तियों और दायित्वों के पुनर्मूल्यांकन के प्रभावों को
लेखाबद्ध करना होता है, लेखाबद्ध करना होता है यानी कि उनको दिखाना होता है अकाउंटिंग में, और चिट्ठा में संपत्ति और दायित्व को संशोधित मूल्य पर दिखाया जाता है। यही मेन पॉइंट है कि जब रिवैल्यूड फिगर पे दिखाएंगे, संशोधित मूल्य पे आर्थिक चिट्ठा में दिखाना होगा, बैलेंस शीट में दिखाना होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाएंगे। लेकिन अगर उनके संशोधित मूल्यों पर नहीं दिखाया जाएगा, मतलब पुराने वैल्यू पर ही अगर दिखाया जाएगा, तो उस परिस्थिति में मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया जाएगा। क्लियर है बात? चलिए भाग के बारे में कहता है, लिखा है इसे दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, मतलब पुनर्मूल्यांकन खाता एक ही भाग में एक ही बार में बनता है, इसे दो भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। अगला लिखा है लाभ तथा हानि का हस्तांतरण। लाभ हानि का हस्तांतरण में आइए जान लेते हैं। लिखा है पुनर्मूल्यांकन खाता के बारे में कि पुनर्मूल्यांकन द्वारा प्रदर्शित लाभ या हानि को पुराने साझेदारों के पूंजी खाते में पुराने अनुपात में बांट दिया जाता है। आप सभी जानते हैं कि पूंजी खाते में बांटा जाता है और पुराने अनुपात में बांटा जाता है, यानी कि ओल्ड पार्टनरों को ओल्ड रेशियो में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाता है। और स्मरणार्थ मेमोरेंडम अकाउंट में क्या लिखा है कि इस खाते के द्वितीय भाग के शेष अर्थात लाभ हानि को सभी साझेदारों में नए साझेदार सहित, यानी नया पार्टनर जो है उसको भी उनके नए लाभ हानि अनुपात में हस्तांतरित कर दिया जाता है, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं। अगला टॉपिक है अप्रकट या गुप्त ख्याति। अप्रकट या गुप्त ख्याति यानी हिडन और इन्फर्ड गुडविल। हिडन या इन्फर्ड गुडविल, अब ये क्या होता है अप्रकट या गुप्त ख्याति? नाम से ही स्पष्ट है कि अप्रकट है यानी प्रकट नहीं है, सामने नहीं है, गुप्त है, गुप्त ख्याति, हिडन है, इसी को इन्फर्ड गुडविल भी कहा जाता है। आइए जानते हैं क्या है। लिखा है जब ख्याति की गणना नए साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी एवं उसके हिस्से के आधार पर अर्थात पूंजीकरण विधि द्वारा की जाती है तो इसे अप्रकट या गुप्त ख्याति कहा जाता है। मतलब सिंपल सी बात लिखा है कि जब ख्याति की गणना यानी कि गुडविल का जो कैलकुलेशन है वो नए साझेदार द्वारा लगाई गई पूंजी एवं उसके हिस्से के आधार पर किया जाए, मतलब कि जो नया पार्टनर आ रहा है वो कैपिटल कितना लगा रहा है और उसको उसके अनुसार कितना प्रॉफिट में हिस्सा दे रहे हैं, उसके अनुसार अगर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाएगा तो ऐसे गुडविल को कहा जाएगा हिडन गुडविल यानी अप्रकट या गुप्त ख्याति कहा जाएगा। क्लियर है बात? लिखा है कि साझेदार के प्रवेश की दशा में गुप्त ख्याति से आशय नए साझेदार की पूंजी के आधार पर निकाली गई फर्म की कुल पूंजी यानी टोटल कैपिटल के विद्यमान साझेदारों की समायोजित पूंजी तथा नए साझेदारों की अधिकता से है। पता है कि आपको क्या करना होगा, हिडन गुडविल कैसे निकलेगा, तो जो नया पार्टनर आ रहा है जितना कैपिटल लगा रहा है और जितना रेशियो उसको हम लोग दे रहे हैं प्रॉफिट में हिस्सा, उसको मल्टीप्लाई करके कैपिटलाइज वैल्यू निकाला जाएगा बिजनेस का, और जब एक बार कैपिटलाइज वैल्यू यानी पूंजीकरण कुल पूंजी निकल जाएगा बिजनेस का, समायोजित पूंजी निकल जाएगा, तो उसमें से जो भी टोटल कैपिटल होगा पुराने साझेदारों का उनको माइनस कर दिया जाएगा और फिर जो बचेगा बैलेंस उसी को क्या कहा जाएगा, गुडविल, हिडन गुडविल कहा जाएगा। क्लियर है? इससे रिलेटेड हम लोगों ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी किया था। आगे कहता है गुप्त ख्याति ज्ञात करने का सूत्र, वही चीज सूत्र ही यानी फॉर्मूला जो है उसी को ऊपर समझाया गया था, फॉर्मूला को ही आइए फॉर्मूला में जान लेते हैं कि हिडन गुडविल कैसे निकलता है। तो हिडन गुडविल यानी ख्याति कैसे निकाला जाता है, तो उसका फॉर्मूला होता है ख्याति बराबर ख्याति की साझेदारों की कुल पूंजी, और ये कुल पूंजी में लाभ हानि अनुपात में ये कुल पूंजी जितनी होगी वो लिखा जाएगा, उसमें से माइनस किया जाएगा। क्या माइनस किया जाएगा, तो माइनस किया जाएगा साझेदारों के कुल पूंजी खाते का शेष समायोजन के पश्चात, यानी सारे के सारे एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो साझेदार हैं उनके पूंजी खाते में शेष कितना है उसको माइनस कर दिया जाएगा साझेदारों की कुल पूंजी से। और साझेदारों की कुल पूंजी का मतलब जितना टोटल कैपिटल है ये कैसे निकाला गया है, तो जो नया पार्टनर आया है वो इनटू उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का रिसिप्रोकल माने उल्टा, ठीक है, अथवा करके भी यहां पर दिखाया गया है, उसी को थोड़ा सिंप्लीफाई करके यहां बताया गया है आसान भाषा में कि ख्याति बराबर क्या होगा, कुल समायोजित पूंजी माइनस वास्तविक पूंजी, यानी टोटल एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल। टोटल एडजस्टेड कैपिटल में वो हो जाएगा जो नया साझेदार भी आया है उसका भी उसके कैपिटल के अकॉर्डिंग हम लोग निकालेंगे, और एक्चुअल कैपिटल जितना होगा उसको माइनस कर दिया जाएगा, तो हमें हिडन गुडविल यानी गुप्त ख्याति निकल जाएगा। तो ये जो यहां पर हम लोगों ने लिखा है इसको याद रखना है, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है कि टोटल एडजस्टेड कैपिटल माइनस एक्चुअल कैपिटल, यही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ये फॉर्मूला ऊपर वाला भी कि ख्याति बराबर
हजारों की कुल पूंजी माइनस हजारों की पूंजी खाते का शेष समायोजन के पश्चात। ये फॉर्मूला दो ठो है दिया हुआ है, इसको आपको याद रखना है। आगे लिखा है, अब बस खत्म ही हो रहा है, लास्ट टॉपिक बचिया है आपके सामने। क्या लिखा है इंपॉर्टेंट पॉइंट के रूप में, देखिए साझेदारों की कुल पूंजी से अभिप्राय। यहां कुल पूंजी का अर्थ समझाया है कि जो फॉर्मूला में कुल पूंजी लिखा हुआ था, साझेदारों की कुल पूंजी, उसका अर्थ क्या है। तो साझेदारों की कुल पूंजी से अभिप्राय क्या अभिप्राय है, तो नए साझेदारों की पूंजी और लाभ में उसके हिस्से के आधार पर निकाली गई फर्म की कुल पूंजी से है, इसे समायोजित पूंजी भी कहा जाता है। और वास्तविक पूंजी का अर्थ क्या है, तो लिखा है वास्तविक पूंजी से अभिप्राय विद्यमान साझेदारों की समायोजित पूंजी तथा इसे तथा नए साझेदार की पूंजी के योग की राशि से है। मतलब कहता है वास्तविक पूंजी का क्या अर्थ है, तो जो साझेदार पहले से हैं उनका पूरा एडजस्टेड कैपिटल यानी समायोजित पूंजी, और जो नया पार्टनर आया है उसका भी कैपिटल जोड़ दीजिए, और सभी पार्टनरों का जो कैपिटल का योग बनेगा, जोड़ बनेगा, उसको वास्तविक पूंजी कहा जाएगा। लेकिन जो ऊपर था, ऊपर में क्या था, ऊपर में था समायोजित पूंजी, किसे कहा जाएगा, तो कहता है कि जो नया साझेदार आ रहा है उसको जितना हम उसके लाभ अनुपात, जितना उसको लाभ में हिस्सा दे रहे हैं उसको उल्टा कर दीजिए, रिसिप्रोकल कर दीजिए, और जितना कैपिटल उसने लाया है उससे गुणा कर दीजिए, जो निकल के आएगा फिगर उसी को कहा जाएगा समायोजित पूंजी यानी एडजस्टेड कैपिटल। क्लियर है बात। तो इसके साथ ही आपका ये टॉपिक भी खत्म होता है। छोटा सा चैप्टर था एडमिशन ऑफ अ पार्टनर यानी साझेदारों का प्रवेश, इसमें कुछ ही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे जो याद करने हैं, कुछ एक डिफरेंस भी था उसको भी ध्यान दे देना है, फॉर्मूला ध्यान में रखना है, और इसके साथ ही आपको आपका ये चैप्टर भी एडमिशन ऑफ अ पार्टनर भी खत्म होता है। तो चलिए अगले क्लास में आपसे मिलते हैं एडमिशन के बाद रिटायरमेंट चैप्टर से, तब तक के लिए धन्यवाद।